तो उसके लिए जरा बताते हैं कि हुकूमती कानूनी दिमागों ने जाकर ये दाना जस्टिस मंसूर अली शाह को डाला, और जस्टिस मंसूर अली शाह भी जस्टिस मंसूर अली शाह थे। उन्होंने हुकूमत को एक ऐसी, जिसे कहते ना वो गुगली करवाई जवाब में, कि हुकूमती वालों को समझ नहीं कि बाल कहाँ से आई थी, गई कहाँ पे, जो हमने बाल करवाई थी तो कुछ और ही हो गया। तो वो उन्होंने जवाबी बाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने करवाई। उन्होंने कहा कि देखिए बात सुनो, आपने अगर जजेस की रिटायरमेंट की एज बढ़ानी है तो इसका इतलाक होगा जस्टिस शाहिद वहीद की रिटायरमेंट के बाद, उससे पहले नहीं होगा, यानी कि 2032 तक नहीं, ठीक है? क्योंकि जो जजेस अभी एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट लाए गए हैं, ये वही जजेस हैं जिनको मालूम है कि उन्होंने कब रिटायर होना है, इनका टेन्योर तय था, तो अब इनको नए टेन्योर देना इनको इन्फ्लुएंस करने के मुतरादिफ है। तो 2032 के बाद जो भी जजेस होंगे वो नए सिस्टम के तहत होंगे, ऑलरेडी एक तयशुदा उनके टेन्योर होंगे, उनकी रिटायरमेंट एज होगी, तो वो उस तरह से काउंट नहीं होगा कि उनको किसी खास मकसद के लिए रिश्वत दी गई है। तो चलिए निकल जाइए। अब वो बेचारी हुकूमती साइड आ गई वापस, उन्होंने आके अपने सरप्रस्तों को कहा कि सर बस, वो मंसूर अली शाह ने तो हैंड कर दिया, उन्होंने तो आगे से, हम बड़ा गए थे कि एक जनाब हम उनको एक फुल टास्क फेंकेंगे, वो मज़े से खेलेंगे और कहेंगे ठीक है कर लो, उनको क्या जाएगा। लेकिन